कौन कौन लोग थे सर? वो उसमें राहुल वर्मा थे, स्वामीनाथ वर्मा थे, गणेश वर्मा और अभिषेक वर्मा पीछे से हमको पकड़ रखे थे। अच्छा जी, क्या ये पूरा मामला जातिवाद को लेके है? जी जातिवाद को लेके है। वो यहाँ से देखिए पटेल सर खुला मदद कर रहे हैं उनकी, और हम लोग जो थाने में बैठे धमकी बार बार लिखी गई? नहीं अभी लिखी नहीं, नहीं, अभी नहीं। आप नहीं, कोई शासनिक हुई? नहीं कुछ भी नहीं हुआ हमारी तरफ। प्रशासनिक अधिकारी जो जाति को देख जी जी वही कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि एडिशनल इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो यहाँ आए थे तो वो क्या 9 तारीख को सुबह यहाँ आए हैं, फिर वहाँ से सब सिपाही यहाँ आए हैं, उसी दिन सुबह चाचा को लेके गए और हमारे फैमिली को लेके गए। एडिशनल गाँव में मौके पर आए थे? जी आए थे, उधर आए थे। उस समय मैं थाने में बैठा था, मैं 24 घंटे वहाँ बैठा रहा हूँ और मेरी FIR नहीं लिखी गई है, तहरीर दिया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 24 घंटे बाद मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर 151 लिखा गया है। मामला क्या था? मामला ये था कि एक राहुल वर्मा नाम का लड़का था, वो वहाँ लेटरिंग करने गया। मैंने उसके छोटे बड़े भाई थे गणेश वर्मा, उनसे बताया कि भाई उनसे बोल दो वहाँ लेटरिंग ना किया करो, हमारे आने जाने का रास्ता है, मैं खेत से उधर आता जाता रहता हूँ। इतना बात बोला था मैंने तो वो उधर से निकले गाली देते हुए। हम पूछे भाई गाली क्यों दे रहे हो? बोले कहाँ की है लेटरिंग, हम चलो दिखाते हैं तुमको कहाँ की है वो लेटरिंग। भाई इतनी बात किए थे, पीछे से महिलाएं भी आ गईं और ये 2-3-4 लोग जो अभिषेक वर्मा और ये रंपत और स्वामीनाथ, ये लोग पीछे से आए गए, तुरंत रस्सी से खींच के हमको मारने लगे और खुद ही वहाँ छत से, जो छत है उनका, वहाँ से खुद ही ईंट फेंके हैं और खुद अपने घर से लाठी लेके आए हैं। ईंट फेंकते समय जो उसमें किसी का सर फूटा है वो खुद ही उनकी लड़की ने छत से फेंके तोड़ा है सर, और हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक जब इस गांव में आए तो क्या वो आपके भी दरवाजे पे आए? नहीं, हमारे दरवाजे पे नहीं आए। आपसे हाल जाना? नहीं, हमारे दरवाजे पे नहीं। दरवाजे पे सिर्फ क्या आए हैं, 2 या 3 सिपाही आए थे और हमारे लेडीज को केवल बिठा के और लेके चले गए हैं। बोले हैं चलो तुमको हम CO साहब से मिला रहे हैं, बाकी कोई कार्यवाही नहीं। उनके यहाँ उनके तो द्वारे पे बैठे हुए थे। आपने लिखित कोई दिया? जी हमने वहाँ पे 2 तहरीर दे चुके हैं। उस पर कुछ कार्रवाई हुई? कुछ अभी तो हम देखिए सर आपके सामने है जो ना हमारा FIR कर हुआ, हम वहाँ पे स्थिति ले लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और हम इस चीज को अपने प्रदेश नेतृत्व को भी बताएंगे जी। और अगर इस तरीके से जातिवाद कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात जी, और ऐसा नहीं है कि जो है जातिवाद से ही हम प्रदेश चलाएंगे। एक जाति से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है आप पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है तो अभी हम लोग जाके वहाँ पता कर लेंगे।